कोलार थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस कस्टडी से युवक ने भागने का प्रयास भी किया था। बीती 29 तारीख को झगड़े की सूचना में पुलिस एफआरबी से पुलिस ने दो पक्षों को थाने में बिठाया था। बीच रास्ते में चलती एफआरबी से एक युवक ने कूदने की कोशिश की थी। बाद में पुलिस इसे थाने लेकर आई थी। युवक का अस्पताल में फिलहाल इलाज भी चल रहा था और इसके बाद इस विवाद के बाद उसे पकड़ा गया था और पुलिस थाने में उसने आत्महत्या की कोशिश की। उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमीदिया अस्पताल में इस युवक का इलाज चल रहा था। कोलार थाना क्षेत्र में अमरावत गांव में खासतौर पर जो आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा जब एक कार्यक्रम में कुछ सरकारी योजना के तहत वितरण किया जा रहा था, उस दौरान वहां पर एक व्यक्ति जिसने उनके अनुसार उनके कहे अनुसार काफी शराब पी रखी थी, गाली गलौज की गई, जिसके बाद उन्होंने डायल 100 पर कॉल किया। डायल 100 की जो एफआरबी है, जो व्हीकल है, वो उनकी मदद के लिए पहुंची और इस दौरान दोनों पक्ष थाना आना चाहते थे। वहां पर दोनों पक्षों को लाने के लिए जैसे ही पुलिस गाड़ी में गांव में ही गांव के बाहर जब वो निकले गांव की सीमा से, तो वहीं पर चूंकि जिस व्यक्ति को लाया जा रहा था वो शराब के नशे में था, वो वाहन से कूदा और उसके बाद में इलाज हुआ और बाद में इलाज के बाद आज उनकी मृत्यु हो गई। तो उस पूरे घटनाक्रम में एक न्यायिक देखरेख में, न्यायिक निर्देशन में, उसमें एक मजिस्ट्रियल जांच हो रही है और साथ ही साथ उस पूरे मामले में जो गांव के जो स्वतंत्र साक्षी हैं, जो गांव के भी बयान हैं, उनका भी निष्पक्षता की दृष्टि से, पारदर्शिता से पूरी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो आगे पीएम और बाकी भी जो कार्रवाइयां होंगी वो डॉक्टरों की टीम के द्वारा की जाएगी, उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि पूरी प्रक्रिया जो है पूरी तरह से पारदर्शी।